नमस्कार दोस्तों, मर्चेंट नेवी लाइफ में आपका फिर से स्वागत है। और कई लोग का सवाल था कि कितने मंथ में रैंक बढ़ती है, हम कब एबी या ऑयलर बनेंगे। तो मैं बता दूं, अगर आप स्टार्टिंग में जाओगे जीबी रेटिंग करने के बाद शिप ज्वाइन करोगे तो आप एज अ ट्रेनिंग ओएस जाओगे या ओएस जाओगे डेक में। अगर आप इंजन में जा रहे हो तो एज अ ट्रेनिंग वाइपर जाओगे या वाइपर जाओगे। तो मैं बता दूं, इसका थोड़ा ट्विस्ट है, लफड़ा बताता हूं क्या है। जैसे अगर आप ITF कंपनी में जा रहे हो तो आपको ऐसा एकदम लोअर रैंक भेजेंगे, OS से भी नीचे भेजेंगे, ट्रेनिंग OS या GS बना के भेजेंगे। GS मतलब सबसे लोअर रैंक। और ITF में ये रहता है कि सैलरी अच्छी मिल जाती है लेकिन आपकी रैंक बहुत टाइम से बढ़ती है। तो मैं बता दूं, अगर जब जैसे आप ITF में जा रहे हो तो एज आप जाओगे ट्रेनिंग OS, फिर आपकी एक दो वॉच कीपिंग निकालोगे, फिर दोबारा आप जाओगे तो एज आप OS जाओगे, फिर OS पे आपको 4-5 सेल करवाते हैं वो लोग जो ITF कंपनी वाले होते हैं, 5-6 सेल कराते हैं। लेकिन सैलरी बराबर मिलती है, जॉब बराबर मिलती है, लेकिन जब आपको अगर रैंक बढ़ाना है तो आपको ऑन बोर्ड प्रमोशन करता है जो बोसन होता है और थर्ड इंजीनियर होता है जो शिप पे, ये डेक की बात बता रहा हूँ, वो आपका प्रमोशन लिखता है कि हाँ ये बंदा कर सकता है, इसकी रैंक बढ़ानी चाहिए कंपनी में, वो एक लेटर भेज देता है। तो आप जब कंपनी में जाओगे तो वहाँ से अगर आपकी रैंक वहाँ से थर्ड ऑफिसर ने बढ़ा दी तो एज आप AB फिर जा सकते हो शिप पे, वो कंपनी बढ़ा के देगी आपको। और इंजन का क्या हिसाब है, जब एज आप ट्रेनिंग वेज जा रहे हो, ट्रेनिंग वेज जा रहे हो तो एज आपको जब स्टार्टिंग करोगे तो ITF में भी यही हिसाब है, ट्रेनिंग ही भेजेंगे, उसके बाद आप 3-4 सेल मारोगे तो आप बनोगे जाके ऑयलर बनोगे। तो ये मैं बता दूं कि आप लोग को कि एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसमें बताता हूँ। अगर आप RPSL कंपनी से जा रहे हो, जो ITF कंपनी नहीं है जो RPSL कंपनी है, तो RPSL कंपनी बहुत जल्दी प्रमोशन दे देती है। मेरा क्या हिसाब था, मैंने स्टार्ट किया था ITF कंपनी से, ITF कंपनी से ट्रांसओशन से स्टार्ट किया था मैंने, और मैं एज अ वाइपर गया था स्टार्टिंग में, वाइपर गया, उसके बाद 8th या 9th मंथ सेल मार के उसके बाद मैंने वॉचकीपिंग निकाल के फिर मैंने कंपनी चेंज की, OSM में गया था, ओरिएंट शिपिंग मैनेजमेंट में गया था। उसके बाद मेरे को US वीज़ा मिला वहाँ से और मैंने फिर ITF कंपनी मारी, तो उन्होंने रैंक नहीं बढ़ाई, मतलब ऐसा वाइपर ही भेजा दूसरी बार भी। लेकिन तीसरी बार मैंने ये थोड़ा ट्विस्ट किया कि मैंने कंपनी छोड़ दी और मैं चला गया ओरम शिप मैनेजमेंट में। वो RPSL कंपनी, वो ITF कंपनी नहीं, वो एज अ बंदों को लेती है लेकिन उसका रैंक बढ़ा के देती है। तो अगर आपको रैंक बढ़ाना है तो आप कंपनी छोड़ दो, जैसे ही आप कंपनी छोड़ा आपकी वो रैंक बढ़ा के भेज देगा। जैसे मैं गया था तो एज अ ऑयलर चला गया, उसके बाद ऑयलर चला गया ओरम में, ओरम ने मेरे को एज अ ऑयलर भेजा। उसके बाद जैसे ही मैंने एक सेल मारी तो मैंने कंपनी छोड़ के फिर से दोबारा ITF में आ गया, और ITF में फिर आपको ऑयलर ही लेगा, वो आपकी सैलरी भी अच्छी रहेगी, आपको एज अ ऑयलर लेगा, या आप AB हो तो AB लेगा आपको। तो यही ट्विस्ट है, अगर आप स्टार्टिंग करो तो एज अ ITF में भी करो तो कोई दिक्कत नहीं, ITF में भी 5-6 साल के सेल के बाद आपकी जो है आपकी रैंक बढ़ जाती है। और लमसम अगर आप ITF में हो तो मैं बता दूं कितने साल में आपकी क्या क्या रैंक बढ़ेगी, 3 साल लग जाएंगे आपको AB बनने में, मतलब 20 मंथ्स लग जाएंगे आपको AB बनने में। और अगर आपको बोसन बनना तो फिर आपको 15 या 16 मंथ सेल करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके आप बोसन बनोगे। और उसके बाद अगर आप इंजन में हो तो इंजन का क्या हिसाब बता दूं, इंजन में है कि जैसे आप वाइपर जा रहे हो तो एज अ 18 या 19 मंथ आपको वाइपर पे लेंगे, उसके बाद आपका ऑयलर पे ऑन बोर्ड प्रमोशन कर देते हैं। तो यही हिसाब है, मेरा तो थोड़ा ये था कि मैंने 3-4 कंपनी चेंज की, उसके बाद मैं वापस ITF में आ गया। तो आप भी ऐसे कर सकते हो लेकिन बहुत मुश्किल है ऐसा करना, लेकिन अगर जो कंपनी मिल रही है चुपचाप से पकड़ लो और रैंक बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ जाएगी रैंक की कोई दिक्कत नहीं है। GP रेटिंग करने के बाद धीरे धीरे रैंक बढ़ती है, ऐसा कुछ नहीं है रैंक नहीं बढ़ेगी। अगर ITF में है तो बढ़िया है, फिर छोड़ो ही मत ITF को, रैंक बढ़ाए ना बढ़ाए सैलरी अच्छी देती है ITF, ये है, अच्छे खासे सैलरी मिलती है और अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। अभी मैं बता दूं कि ऑयलर को 80 दे रही है मैं लमसम बता रहा हूं, मेरी 1,30,000 या 35,000 रुपये सैलरी आई थी जब मैं AD में था, अभी ITF कंपनी में था, महीने की बता रहा हूँ, तो उतनी सैलरी मेरी बन गई थी ITF कंपनी में। और अगर आपको रैंक बढ़ाना है तो धीरे धीरे करते रहो यार, कोई दिक्कत नहीं, रैंक बढ़ जाती है, वो थोड़ा शॉर्टकट अपनाने का नहीं, जो कंपनी मिल रही है उसमें मारने का, और धीरे धीरे आपकी रैंक बढ़ जाएगी। तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आप लोगों को कि कैसे रैंक क्या बढ़ती है, ये नहीं कि कितने महीने बाद बढ़ जाएगी,
मतलब आपका काम पे है, उस शिप पे काम भी दिखता है कि हाँ भाई बंदा का कैसा काम कर रहा है, उनका क्या हिसाब चल रहा है। तो वो कैप्टन इंजीनियर और जो ऑफिसर्स होते हैं ना, वो आपका जो प्रोग्रेस होता है वो रिपोर्ट भेजते हैं कंपनी में। कंपनी का क्या करता है कि हाँ भाई ये बंदा सही है, एलिजिबल है, कि इसकी रैंक बढ़ाई जाए। फिर वहाँ से आपकी रैंक बढ़ेगी, वहाँ से आपको जब दोबारा ज्वाइनिंग करोगे तो आप एज ए बी या ऑयलर या बोसन कुछ भी भेज देंगे। तो आप लोग को थोड़ा बहुत समझ आया होगा जो मैंने बताया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।